हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और दोस्तों, जिन लोगों ने भी पिछले साल एग्ज़ाम दिया था उनके लिए भी यूजीसी ने सेम ऐसा कैलेंडर एक जारी किया था, उसमें सारी चीज़ें उसने बताई थी। बहुत आराम से समझने वाली ये चीज़ है। और जो बच्चे भी ये समझ रहे थे कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एंट्रेंस होगा कि नहीं होगा, कौन से पैटर्न पे होगा, सारे डाउट्स इसमें यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने क्लियर कर दिया है। पहले तो ये समझ लो यूजीसी है क्या। यूजीसी जो है सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये संस्था बनाया गया था 50s-60s के एरा में, ठीक है। तो ये इसका मेन काम ही है यही देखना। तो इसका एकेडमिक कैलेंडर, मैं फिर से कह रहा हूँ कि पिछली बार वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था जो दिया गया था, और इस बार भी यही है। इसमें देख लो, जो बच्चे भी समझ रहे हैं ना कि नहीं होगा, वो लग जाओ। और हम पढ़ा भी रहे हैं, पेड क्लास भी है, फ्री क्लास भी है, जैसे भी आपको पढ़ना है। जुलाई 2021 में ये आया हुआ है, इसको समझो जरा। यूजीसी गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर इन व्यू ऑफ COVID-19 पैंडेमिक। देखो, अब इसमें मैं ज़्यादा बोल बच्चन वाली बातें नहीं करूँगा, एक घंटे नहीं बताऊँगा। ये सब चीज़ें हैं जो इंट्रो थोड़ा पढ़ लो। कीपिंग इन व्यू द प्रिवेलिंग सिचुएशन ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक, द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द कैंसिलेशन ऑफ CBSE बोर्ड, द अर्लियर ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपहोल्डिंग द UGC गाइडलाइन ऑफ 6 July 2022। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से इसे तैयार किया गया है, ठीक है। रिगार्डिंग टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, द अर्लियर UGC गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर डेटेड April 29, 2020, July 6, 2020 एंड September 24, 2020, द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट। अब देख लीजिए, ये जो है 2020 की बातें हैं जब ये सब जारी किया गया था, केस मुकदमे चल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको ध्यान नहीं देना है। इसी के बदौलत ये सारा चीज़ डिटेल अभी आया है, मतलब इन सब जजमेंट्स का प्रभाव पड़ा, COVID-19 का प्रभाव पड़ा। और उसके बाद फिर आते हैं हम लोग एग्जामिनेशन के बारे में। यहाँ एक अलग कॉलम दिया है, द प्रोविजन एज कंटेंड इन द गाइडलाइंस इश्यूड अर्लियर मेंशनड अबव शैल अप्लाई फॉर द करेंट एकेडमिक सेशन। 2020-21 में हुआ था, अब ये 2021-22 के लिए लागू होगा। एकेडमिक कैलेंडर, द प्रोविजन कंटेंट इन UGC गाइडलाइंस डेटेड 24/9/2020 शैल बी अप्लीकेबल फॉर एकेडमिक सेशन 2021-22। ये चीज़ आपको समझने वाली है। अब देखिए, वहाँ 2020 तक था ना जी, 21 तक, लेकिन अब 21-22 में भी वही सेम चीज़ फॉलो किया जाएगा जो कि मैंने अभी डेट बताया ना, उस डेट को वर्डिक्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय अपना सुनाया था या UGC के द्वारा रेगुलेशन जारी किया था, तो उन्हीं डेटों के परिप्रेक्ष्य में 2021-22 में भी सेम चीज़ अप्लीकेबल होगा। आगे देख लेते हैं, इन एडिशन द फॉलोइंग गाइडलाइंस शैल ऑल्सो अप्लाई रिगार्डिंग द एकेडमिक कैलेंडर ऑफ फर्स्ट 5 ईयर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन। ये सब चीज़ें हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंटेड आउट दैट UGC विल इशूइंग नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू इंश्योर दैट एडमिशन प्रोसेस बाई द कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन शुड कमेंस ओनली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड CBSE एंड ICSE। तो ये अटॉर्नी जनरल होते हैं, भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने कहा था कि जब सारे बोर्ड्स और CBSE ICSE के बोर्ड्स अपने रिजल्ट दे देंगे, उसके बाद UGC को ये पावर है, अथॉरिटी है कि वो रेगुलेशन जारी करे, ठीक है। देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ईयर कोर्सेज और प्रोग्राम्स फॉर एकेडमिक सेशन 2021-22 शैल बी कम्प्लीटेड बाई नो लेटर। अब देख लो, यही है तुम्हारे लिए, यही है भैया सबके लिए, यही तो समझना है। नो लेटर दैन September 30, 2021 है 30 सितंबर के पहले फर्स्ट ईयर कोर्स या प्रोग्राम जो भी आप कर रहे हैं उसे 30 सितंबर के पहले स्टार्ट कर देना है पढ़ाई, उसको पढ़ाना शुरू कर देना है। एग्ज़ाम की ही बात नहीं है, अब इस चीज़ को ऐसे समझो, 30 के पहले तुम्हारा क्लास शुरू हो जाएगा मान के चलो। तो तुम्हारा एंट्रेंस कब होगा भाई? एंट्रेंस सितंबर के शुरू में होगा, तभी ना 10 दिनों बाद फिर रिजल्ट आएगा और फिर काउंसलिंग शुरू होगा। तो ये सब प्रोसेस सितंबर में ज़्यादा से ज़्यादा आपका एग्ज़ाम जा सकता है। अभी से हाफ जुलाई बचा है, हाफ अगस्त बचा है। देखो, टाइम कम है, मैं शुरू से चिल्लाता आ रहा हूँ कि टाइम कम है। जो लोग भी न्यूज़ के चक्कर में पढ़े हैं ना कि होगा कि नहीं होगा, यार वो सब चिंता छोड़ के जो बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं ना रेगुलर, रिजल्ट तो उन्हीं का होगा। पिछली बार भी यही सब हुआ था, रिजल्ट उन्हीं का हुआ। चलो, ज़्यादा बोल बच्चा नहीं होगा। द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कैन बी एक्सेप्टेड अप टू December 31, 2021। मान लो किसी का रिजल्ट रुका हुआ है, पेंडिंग है, वो नहीं जा सका, तो वो 31 दिसंबर तक अपना डॉक्यूमेंट जमा कर सकता है, UGC ने क्लियर लिखा है। अब सेशन कब से शुरू होगा भाई?
एकेडमिक सेशन शुरू होगा 1 अक्टूबर 2021 से फॉर फर्स्ट सेमेस्टर और ईयर स्टूडेंट। ये भी क्लियर हो गया। 30 सितंबर तक सारे प्रोसेस एडमिशन का ख़त्म कर लेना है। 1 अक्टूबर से क्लासेस शुरू। अकॉर्डिंग टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शैल फॉलो द कैलेंडर। अब देख लीजिए, एडमिशन प्रोसेस अंडर ग्रेजुएट लेवल एकेडमिक कैलेंडर, डिक्लेयर रिजल्ट 31/7। देखिए, सभी स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड के द्वारा ये UGC अपेक्षा कर रही है कि 31 जुलाई तक सब लोग अपने अपने रिजल्ट दे दें। तो जब वो रिजल्ट दे देंगे तो एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा ना। तो अब आपको क्या समझना है कि 31 जुलाई तक रिजल्ट सबको ही दे देगा तो फॉर्म भी आ जाएगा ना 31 जुलाई तक। मैं समझ रहा हूँ कि बहुत बार न्यूज़ आता है कि 10 दिन में आएगा, 5 दिन में आएगा, 7 दिन में आएगा, लेकिन अब तो ऑफिशियली है ना, ये ऑफिशियल UGC के द्वारा ये न्यूज़ आया है। फिर कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड PG इन ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लेंडेड मोड। आप जिस चाहते हो इसको कंप्लीट करना है 30/9/2021 में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर, ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल, लेटेस्ट बाई 1/10/2021। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज ऑफ UG एंड PG फ्रेश बैचेज 1/10 हुआ। प्रिपेरेटरी ब्रेक कुछ मिलेगा, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, सेमेस्टर ब्रेक्स, ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी BHU में आप एडमिशन ले रहे हो तो BHU के द्वारा ये देखा जाएगा। बट आपको 1 अक्टूबर तक क्लासेज शुरू कर देनी है क्योंकि ये ऑफिशियल जो यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करती है उनका आदेश है। सेमेस्टर ब्रेक एंड ख़त्म हो जाएगा 31/7/2022। अच्छा, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि करेंट अफेयर्स नहीं आ रहा है सर, फॉर्म नहीं आएगा क्या? करेंट अफेयर्स मैं थोड़ा पर्सनल काम में बिजी था, कल से डेली करेंट अफेयर्स डेली आएगा, पिछला छूटा हुआ भी मैं उसमें रखूँगा। और अच्छे से देखना, पढ़ाई करो, करेंट अफेयर्स में जो भी GK GS के फैक्ट्स बनाए जा रहे हैं उसे नोट करो। एक बार फैक्ट देखना है, बार बार मैं खुद रिवाइज कराता हूँ, आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वो प्लेलिस्ट आप ज़रूर विजिट करो। आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो उसका प्लेलिस्ट है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। हम 399 में आपको रीजनिंग की क्लास दे रहे हैं, इंट्रेंस तक रीजनिंग पढ़ो, फिर आपको 499 में GK GS की क्लास दे रहे हैं, इंट्रेंस तक पढ़ो, कोई उसमें सारी चीज़ें उसके बाद फ्री होंगी उस कोर्स के लिए। और अगर आप दोनों में एडमिशन लेते हो तो 750 में दोनों चीज़ें आपको पढ़ाएंगे इंट्रेंस तक के लिए, और मैथ्स की अगर क्लास आती है तो उसमें भी डिस्काउंट देंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो एडमिशन ले लो, सबसे कम फी है 100 स्टूडेंट तक, ये रिस्ट्रिक्शन रखा गया है, उसके बाद बढ़ जाएगा। अदरवाइज़ फ्री में तैयारी करना है तो डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारा प्लेलिस्ट का लिंक है, प्लीज़ विजिट करो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इफ़ देयर इज़ डिले इन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हायर एजुकेशन में प्लान एकेडमिक सेशन बाय अक्टूबर। अब इसमें ये भी लिखा है कि मान लो कोई देरी हो भी गई तो 18 अक्टूबर तक तो हो ही जाएगा जी, लेकिन कर लेना है इसको अक्टूबर में ही। उसके बाद ये चीज़ें जो हैं आपको PDF में मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन। इसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपके लिए, मेन चीज़ें मैंने बता दी कि आप कमर कस लो, जो भी है रिवाइज़ करो, पढ़ाई करो। अगर टारगेट है कि आपको निकालना है तो 750 रुपये खर्च करो, आपका एंट्रेंस ज़रूर निकलेगा जो भी आप कोर्स की तैयारी करते हो। थैंक यू सो मच, कोई भी इंक्वायरी हो कमेंट ज़रूर करो।